नमस्कार, मायमाउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। मायमाउली सबसे पहले क्योंकि मायमाउली ने ये जो सुबह जो समाचार वायरल किया था उसके बाद में तहलका मच गया, सारे न्यूज में सारे तरफ अफरा तफरी मच गई। इसमें मायमाउली बताना ये चाहती है कि जो दो करोड़ 86 लाख का जो घोटाला है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक नियम के उसके नियम के अनुसार 1 लाख का भी अगर जब घोटाला होता है तो वहाँ पर CID पहुँच जाती है। CID को वो जो रिपोर्ट है वो सौंपनी होती है, CID उसकी जांच पड़ताल करती है। लेकिन ये जो 2 करोड़ 86 लाख का घोटाला, CID भी नहीं, क्या उन आला अफिसरों को मालूम नहीं, क्या आला अफिसर तक बात नहीं? ये जमाना ठप्पे का नहीं है, ये जमाना सिस्टम का है, डिजिटल का जमाना है। ये इंडिया जो है अब डिजिटल इंडिया बन चुका है। क्या इस डिजिटल इंडिया में क्या AC में बैठकर सिस्टम पर देख नहीं सकते कि यहाँ पर इतना सारा घोटाला हो रहा है? ये जो घोटाला है ये इन 11 लोगों में नहीं है, ये इन 11 लोगों में नहीं है, बल्कि यहाँ पर इनमें जो हाथ लग रहा है वो आगे चल के जो आला अफिसर है उनका भी इसमें हाथ लग रहा है। वो भी मायमाउली उसकी भी जांच कर रही है और उसकी भी जांच पड़ताल कर रही है। मायमाउली उसी में जुटी हुई है, ज़्यादा फोकस अभी इसी में जुटी हुई है, क्योंकि जब एक आम आदमी काश्तकार जब 10,000 की लोन के लिए इन बैंक के पीछे इन बैंक वालों के पास जाकर अपनी चप्पलें घस देता है, फिर उसके बाद में उसकी लोन सैंक्शन होती है, फिर उसके बाद में भी एक पैसे वाले को जिम्मेदार ठहराना पड़ता है कि भाई ये पैसे बनेगा नहीं बनेगा, चलिए फिर बाद में वो लोन उठा लेता है अपनी गरीबी के हिसाब से, फिर काश्तकार अपने काश्तकारी के हिसाब से लोन उठा लेता है, फिर लोन उठाने के बाद में अगर कुछ कोरोना काल में कुछ नाबिकी की वजह से अगर कुछ कम ज़्यादा होगा, अगर पैसे नहीं बना तो उसके घर को जाकर पूरे 25 लोगों की टीम जाती है, एक दो नहीं बल्कि पूरे 25 लोगों की टीम जाती है और वो घबरा कर बेचारा बाहर निकलकर रोड पर उसको बोलते हैं कि अगर ये लोन नहीं बनोगे तो आपके घर के 3 कवेलू, घर की पलंग, जो कुछ भी तुम्हारे घर में फ्रिज हो या कुछ भी हो, हम उठा के ले जाएंगे, सीधा जब्त कराया जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 2 करोड़ 86 लाख का घोटाला, जैसा कि दूध में अगर बाल गिर जाए तो बाल को आराम से निकाल लेते हैं, पता भी नहीं चला, यहाँ पर तो काटा भी नहीं चुभने दिया। ये 2 करोड़ 80 लाख 86 लाख का जो घोटाला हुआ वो बहुत बड़ा घोटाला है। क्या उन आला अफिसरों को नहीं पता कि इन घोटालों के बारे में? क्या उन जो बड़े बड़े जो AC में बैठ के रहते हैं, एयर कंडीशन में बैठ के रहते हैं, क्या उन्हें नहीं पता? अब इसमें 11 जने कौन कौन है हम आपको नाम के साथ के बैंक बेला और इस बैंक में जो कुछ अमाउंट का जो अफरा तफरी हुआ है, ये अफरा तफरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अफरा तफरी होने से बैंक बदनाम हो जाता है। इसलिए जो है मेरा एक ये है कहना है कि जो बैंक में जो ये अफरा तफरी किए जो कसूरवार है, सही कसूरवार है, उसको सही में परिस्थिति मिलना चाहिए और उसको जो है सो निलंबित करना करे, फिर भी जो है सो उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन मैं मेरे तरफ से बोलता हूँ और भाई तेलंगाना राष्ट्रीय बेला DCCB अंजुमन बैंक में जो घोटाला हुआ, इस घोटाले की हम निंदा करते हैं। जो भी इस घोटाले में शामिल है उनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये एक सहकार बैंक जो काश्तकार का बैंक है, आज इस काश्तकार के बैंक में इस तरह के घोटाले करना बहुत बुरी बात है। हम गवर्नमेंट से एक अपील करते हैं कि जल्दी से जल्द इस पर एक्शन लेके जो भी पैसा मिसयूज़ हुआ उसको रिकवरी की जाए। आज अगर बैंकों में इस तरह घोटाले हो जाएंगे तो आज लोगों का काश्तकारों का जो बैंक पे विश्वास जो टूट जाएगा। इसलिए हम जो DCCB चेयरमैन है हमारे चेयरमैन से और जो आला अफसर है इनसे हम गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इनसे एक्शन लेकर जो भी पैसा
मिसयूज हुआ, जो लोग ये खा के बैठे हैं कि पैसा पूरा पैसा के वसूल करके इससे कानूनी कार्रवाई की जाए। बेला मंडल केन्द्र में डीसीसीबी बैंक रेट एन भाई लक्षल फ्राड जी का मरी फ्राड जरूर अधिकारा अटे फ्राड जी अटेसे जी अटे दी अंत अनाएमेंटे स्वयं अधिकार कुमक अने स्वयं इवल बैठ पड़े अटे दीन पै अध अस्तमी काबटे वारी चटरीतम चर्यल पर्टिकुलर बैंक अटे रैतुले उबी रैत मोसम से వీళ్ళు అధికారులు ప్లాన్ చేస్తున్నారు తప్ప అంటే వారిపై వెంటనే చర్యలు తీసుకొని ఇద్దాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం। లేని పక్షం అంటే గతంలో కూడా ఇప్పుడు ప్రతి బ్యాంకులో ఇప్పుడు ఇంతకుముందు గ్రామీణ బ్యాంకులో గాని ఇప్పుడు ఎల్ఐసి లో కూడా ఇట్లానే జరుగుతుంది। అంటే దేన్ని నమ్మాలో అర్థం కావడం లేదు। అంటే పర్టిక్యులర్ గా దీని మీద దృష్టి సారించి జిల్లా కలెక్టర్ దృష్టి సారించి వారిపై చట్టరీతమైన చర్యలు తీసుకొని రిక్వైరీ వెంటనే చేయాలని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। हेड ऑफिस टीम अंदर एंक्वायरी प्रेजेंट आ सिचुएशन इंकेम रहा है। एक गरीब के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन यहाँ पे जो बड़े बड़े जो ये 11 ये क्रिकेट टीम है, ये 11 लोगों की जो टीम है ना, ये क्रिकेट टीम है। पहले मैं उन 11 लोगों के नाम आपको बता देता हूँ। सबसे पहले स्टाफ असिस्टेंट मास्टरमाइंड श्रीपद कुमार, ये पहले। दूसरे मैनेजर राजेश्वर और असिस्टेंट मैनेजर रनीता और बी वेणुगोपाल, ये जन्नाराम के मैनेजर है। और जी परवीन, ये भी जन्नाराम और स्टाफ असिस्टेंट जन्नाराम, इन्हों भी। और बी रमेश स्टाफ असिस्टेंट जन्नाराम, फिर के रमेश अटेंडर भी मौजूद है इसमें। देखिए ये जो षड्यंत्र है, ये लूटने का षड्यंत्र है, ये जो पैसे हड़पने का षड्यंत्र है, इसमें अटेंडर भी है। और उसके बाद में डीसीसीबी प्रधान कार्यालय के एम सविता और मैनेजर आदिलाबाद रूरल, इन सब इसमें मौजूद है। हमारी हिम्मत और आपकी जीत, और भी हम बैंक के बारे में, डीसीसीबी बैंक के बारे में आगे चल के और भी खुलासा करते रहेंगे। कुछ इसके पहले हम कुछ जो बैंक के जो कर्जदार हैं उनसे बात करेंगे, जो आम लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, क्या कहना है इस बैंक के बारे में। पर आप बने रहिएगा माय माउली हिंदी समाचार के साथ। कैमरामैन वहाब के साथ इस्माइल शेख, माय माउली बेला।